हेलो क्लास सेवन, मैं आपकी टीचर देवेंद्र। मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 लेकर आई हूँ और 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज। 2.3 एक्सरसाइज में भी सेम मल्टीप्लाई का ही प्रोसेस है। ठीक, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं मल्टीप्लाई का। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड 1/4 ऑफ, तीन पार्ट्स हैं ये। हमने एक्चुअली क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज में भी किया है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो समझी है तो। फर्स्ट पार्ट जैसे मैं आपको बताऊंगी, सेकेंड पार्ट आप वैसे वैसे ही करोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख लिया है देखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है, सॉल्यूशन करते हैं हम। 1/2 ऑफ 1/, ऑफ का मतलब मैंने कल बताया था आपको, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 और 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। 1/4 यहां पर कॉमन था, जो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, इसी तरह मैंने इन सब में 1/4 लिख दिया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कल कि जो मल्टीप्लाई होता है वो आमने सामने होता है। ठीक है, तो ये आमने सामने मल्टीप्लाई होगा, ये देखो, और जो कटता है वो क्रॉस में कटेगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे कटेगा, तो मैं यहां पर लाइंस डाल देती हूं ताकि आपको ठीक से पता चल जाए। अब देखो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 और 4 4 4 4 16 आंसर आ गया। ठीक, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 को 4 से 20 आंसर आ गया। अब यहां पर देखो, ये भी 4 है और ये भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, मैंने आपको बताया था क्रॉस में कटता है, तो 4 1 4 4 1 4, तो बचा क्या हमारे पास 1/1 मल्टीप्लाई 1/3। सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 और 3 1 3, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा पूरा हो गया, फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है देन मैसेज मी।